अब आठ लड़की पैदा हुई और एक बेटा, हिस्सा कितना लगेगा? आठ बेटी का आठ हिस्सा। अरे आधा तीसरी छोड़ दो, हिस्से की बात करो। लड़कियों का एक एक है, लड़के का दो दो, इसका एक एक, इसका दो दो, आठ लड़की का आठ हिस्सा हो गया और एक बेटा है तो कितना हो गया हिस्सा? आठ दो, तो लड़कियां कितने परसेंट लेके चली जाएंगी बाप की परापट्टी? 80%। कितना ले जाएंगी? अब 20% किसको मिलेगा? आठ बहनों के भाई को मिलेगा। तो आठ बहनों के भाई की जो बीवी है खुश हो जाएगी ना? खुश रहेगी, तावे पे तेल डाल के आठों नंदों को भून डालेगी। अच्छा, दोबारा वो आएगी नंद है तो ये भौजाई उनको खिलाएगी, अंडे का हलवा बना खिलाएगी। बोलो, उस आठ बहनों के भाई से पूछो तेरे बाप का है? लड़कियों ने जो हिस्सा लिया है वो उनके बाप का है, तेरे बाप का नहीं है, तो तेरा कलेजा क्यों पक रहा है? बोलो, इनके बाप का है ना। और एक मसला यूपी वालों, गुजरात वालों और सुन लो, बहनें बड़ी नरम दिल की होती हैं। अगर ससुराल उनकी अच्छी मिल गई है, खाते पीते हैं, तो बहन कहती है भैया का हम नहीं ले में है ना। लेकिन कान खोल के सब लोग याद कर लो इसको सुन करके, कि अगर माफ कर दे बहन तो माफ होगा ही नहीं। ये हक़े शरा है, देना है तो देना है। अब नहीं लेना चाहती है तो बाद में लाके दे, लेकिन ऐसे कहने से कि बहन कह दे कि हम भैया को माफ किए, अल्लाह माफ करे, माफ होगा ही नहीं। देना है तो देना है, कब्जे में दे दिए, अब उसका दिल चाहे नहीं लेना चाहती है, अल्लाह ने उसके शौहर को बहुत कुछ दिया है, लाके दे दे। यूपी वाले थे, मसला मैंने बताया तो बोले हजरत हमारी बहनी तैयार है नहीं लेवे खाती। कहा जी हम ना ही लेवे, हम माफ किए। बहन आई, मुझको बुलवाया कि हजरत अब आप गवाह हो जाइए। और जब वहां पहुंचा, उसकी बहनी से पूछा, बहनी क्या कह रही हो तुम? कहा हजरत हमला हम बहुत दिए, हम ना ही लेवे इनका, हम माफ कर दिए, हमारा भाई बच जाए। तो भाई ने कहा हजरत अब तो हमारी पकड़ नहीं होगी ना। मैंने कहा जब तक देगा नहीं पकड़ा जाएगा, यकीन है तुझको ना? बोले हाँ, आपके सामने बोली है। मैंने कहा 10 लाख कहीं से ला और इसके हवाले कर दे, कब्जा देना जरूरी है, हैंड ओवर कर दो उसके। ऐसा नहीं कि देखा है जब मैंने चाहे, ऐसे नहीं, हैंड ओवर कर दिए। बेचारा लाया खुशी खुशी। अच्छा एक बात बोलो कि ये बहनी का हिस्सा 10 लाख होता था तो भाई का हिस्सा कितना हुआ? माशाल्लाह, ऐसे ही सब लोग बोल लो। जब बहन का 10 लाख तो भाई का कितना हुआ? जोर से बोलो। तो ये कितना लालची है, 20 लाख लिए बैठा है फिर भी टटकी बात पे मन्नत कर रहा है बहनी माफ कर दो, बेहया बेगैरत, तू अपाहिज है, कंगाल है। 20 लाख लेने के बाद भी तू ये तमन्ना लेके बैठा है कि बहनी मेरी माफ कर दे। अच्छा तुम्हारी जितनी उम्र हो गई कभी तुमने सुना कि भैया ने माफ कर दिया हो कि बहनी तीन लोग बांट लो हम ना ही ले गए? सुने हो कभी? जब भी सुने होगे तो बहनी माफ की है। 10 लाख रुपया उसको दे दिया, उसकी बहनी को मैंने ऑर्डर लगाया 24 घंटा ये 10 लाख की रकम तेरे पास रहेगी, कल तेरे दिल में आएगा बेटों को दे, शौहर को दे, भैया को दे, कालेचौर को दे, 24 घंटा तेरे पास रहेगा। कहीं ठीक है हजरत, लेके गई। अब भैया दूसरे दिन सूरज निकलते ही टकटकी बात के देख रहे हैं, अब आ रही है, अब आ रही है। दूसरे दिन इंतजार करते करते दूसरे दिन की शाम हो गई, रात हो गई,
तीसरे दिन भैया पहुंचे और कहा बहनी तू कर दे माफ किए हमें ना ही चाहे भैया का कहें भैया ये खर्चा रहा वो खर्चा रहा इनमें गया उनमें गया खत्म 10 पैसा नहीं पाया। और अगर बहन 10 लाख देना चाहेगी तो शौहर देने नहीं देगा, बोलेगा तेरे बाप का 20 लाख उसके पास, 10 लाख तेरे पास, उसके बच्चे ऐश करे और तेरे बच्चे रोड पे घूमे। अगर देना है तो भाई के घर चली जाती, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। और शौहर भी कुछ ना बोले तो बेटे नहीं देने देंगे, अम्मा पगला गई हो मामू के बेटे मोटरसाइकिल से घूमेंगे, हम पंचर साइकिल से घूमें। अरे अल्लाह ने उसको 20 लाख दिया है, तुमको तो 10 दिया है, काहे को वापस करेगी। बस इतना समझ लो, जो लोग अपने बहन का हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो 100 रुपया भी अगर खा लिया बहन का तो 23,33,333 वक्त की नमाज जाएगी, नमाज नहीं होगी तो इतना अजाब भुगतना होगा। अब एक मसला और सुन लो, अगर अब्बा ने फूफू लोग को हिस्सा नहीं दिया है, तुमको पता है, तो बाप की विरासत बेटों में बट गई ना। अब फूफी को दो, फूफी मर गई तो उसके बेटे बेटियों को दो। अगर नहीं दिया तो खाए तो हराम खाए, बाप ने नहीं दिया था नहीं दिया था, लेकिन तुमको मालूम है ना कि फूफी का हिस्सा इसमें है। किसी के कान में जो व्यक्ति है, यूपी में बड़े बड़े मौलाना, बड़ी बड़ी खानकाहें, बड़े बड़े मसारा, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े मुकर्रर, और हाल ये है कि न देना जानते हैं न दिलाना जानते हैं। चंद दिन की जिंदगी के लिए बीवी खूब खुश हो जाएगी, वाह मेरा प्यारा शौहर, मेरा सरताज, मेरा गुलाब का फूल। और जब जहन्नम में जलेगा तो एक नेकी का कम होगी तो भी देने के लिए तैयार नहीं होगी। ये बेटी बेटा जिनके बारे में कुरान ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारा माल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए फितना है, बेईमानी करते हो बच्चों के लिए, बीवी के लिए गद्दारी करते हो बच्चों के लिए, खुदा अपने जान पर रहम करो। और कोई साथ नहीं देगा तो बेईमानी करने के लिए सोचो भी नहीं, अपनी अपनी बहनों का हिस्सा जीते जी दे डालो, बढ़ता चला जाएगा, लड़कियां महरूम होती जाएंगी और सबका अजाब तुम भुगतोगे। कुछ खौफ लगा दिल में नहीं आया ना? आया ना? पाई पाई का हिसाब करके दे दो, बंटवारा काहे काहे में होगा। जब हर जगह ये मसला बताता हूं ना तो तरह तरह के लोग आते हैं। बैंगलोर गया तो बोले खाली खेती में बंटवारा होगा, हैदराबाद गया तो बोले खाली दुकान में बंटवारा होगा, घर में नहीं होगा। मैंने कहा घर में भी होगा, बाग में भी होगा, खेती में भी होगा, यहाँ तक अगर बाप के पास एक लैपटॉप था उसमें भी बंटवारा होगा, एक कलम होगा उसमें भी बंटवारा होगा। जहां जहां बेटे को मिला आधा बेटी को मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह ताला हमको आपको, और मैं दे चुका हूं इसलिए धड़ल्ले से बोलता हूं, सुन रहे हो ना, हम सबको अपने बहनों का हिस्सा उन्हें देने की तौफीक अता फरमा दे। तुम बहनी का बेईमानी करोगे ना खाएंगे तुम्हारे बच्चे और जहन्नम में जलोगे तुम, और वो भी एक दो दिन नहीं करोड़ों साल। अरे जो अल्लाह ने आपको दिया है इसी में शुक्र 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 करो अल्लाह का। ऐसे ऐसी दौलत 10 गुना नहीं 100 गुना अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा सकता है। बहनी का 10,000 तुमने उसका हिस्सा दे दिया, अल्लाह 10 लाख 10 करोड़ का तुम्हें मालिक बना सकता है। नहीं बनाएगा? अब बना रहा है ना। गरीबों फकीरों की मदद करने वालों, किसी का नाहक माल मत हासिल करो। अच्छा इसमें खेती वाले होंगे गांव के यूपी वाले, ये समझते हो इसको क्या बोलते हैं? क्या बित्ता, ये है यूपी का भाई। क्या बोलते हैं? एक बित्ता। बस खाली इतनी एक बित्ता जगह अगर आपने मेरी से छांट लिया
तो सातों तबक जमीन तुम्हारे सर पर रख कर जहन्नम में फंसाया जाएगा। मेरी छाटने वालों, अपने पड़ोसी के हक को दबाने वालों, पड़ोसी के दरवाजे को अपने दरवाजे में मिलाने वालों, इतने के लिए सातों तबक जमीन सर पर लाद कर फंसाया जाएगा। अब सोचो, अच्छा इधर हम सोचते हैं कि मीडिया थोड़ी छांट ले, सामने कहता है अच्छा तू छट गया तो हम चुप बैठ गए, उधर वो छाटता है, मेरी नहीं वो एक लकीर बन जाती है। अपनी अपनी बीवियों को मेहर की रकम दिए, हजरत हूं पूछ सकता हूं नहीं पूछ सकता हूं, दिए सब लोग तो नहीं दिए होंगे। हमारे हिंदुस्तान में मेहर का मसला ये है कि जब झगड़ा होगा तब मेहर का नाम आएगा, जब तलाक की नौबत आएगी तब। छत्तीसगढ़ में जब लोगों से मेहर दिलवाना शुरू कर दिया तो औरतों में रोना पिटना शुरू हो गया, कहीं ने कहा तब तू दिलार दे वाले हो तब भी तू बहरिया दे रहे हो, यूपी बिहार वाली थी होते हैं कहीं ना ही हजरत कहीं है कि खुशी खुशी अपने औरतों को मेहर की रकम दो। और हजरत ने नहीं, पारा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 4 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वातुन निसा सदुकातिहिन निहला, अपनी बीवियों को खुशी खुशी मेहर उनकी दे दो। अगर तुम मर गए और बीवी ने माफ नहीं किया और 100 रुपया अगर मेहर रही तुम्हारे जिम्मे काट पीट के, तो 23,33,333 के नमाज का अजाब तुम्हें भुगतना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता खुशी खुशी, इनका हाल ही है माफ कर दो ना, 10 रुपये की मिठाई लाके खिला खिला के बोलता है माफ कर दो, कयामत में पकड़ लो, कंगाल है तू, भिखारी है। तरीका मैं अच्छा सा बता दूंगा, आराम से अदा हो जाएगी। दो जोड़ा कपड़ा मर्दों को देना वाजिब है, घर औरत के रहने के लिए देना वाजिब है, खाना देना आपको दोनों टाइम नाश्ता वाजिब है, और औरत तुम्हारे घर में काम करे ये उसको वाजिब नहीं है, पकाओ या पकवाओ खिलाओ। अब तीसरा जोड़ा अगर वो बोले ये बड़ा अच्छा पसंद आ रहा है, और औरतों की आदत होती है जेवर और कपड़ा, 10 नहीं 100 जोड़ा कपड़ा हो, नई शादी पड़ गई ना तो शोहर का कान खा लेगी, एक जोड़ा है क्या होगा, शोहर अगर कह दे अरे 100 जोड़ा तो रखा कहा जल जाए, एक को नहीं है सब पहन चुके हैं शादी में मगनी में इसमें उसमें दावत में, सुनो बोलते ही नहीं बोलती है। तरीका ये है कि कह दो ये तीसरा जोड़ा तुम्हारी मेहर में, तुमको कान की बाली चाहिए ना, ये महर में, महर भी अदा हो जाएगी और खुश भी हो जाएगी, उसका कर्जा तुम्हारे सर पर नहीं रहेगा। अब जो लोग माफ करवाते हैं कि माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो, ये बेशर्मी का जुमला बोलना बंद करो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है ऐसी सी महर तो 10-20 तुम दे सकते हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फइन तिबना लकुम अगर अपनी खुशी से तुम्हें महर में से कुछ दे दे तो अब रस्ता बस्ता खाओ, खुशी खुशी दे तो ऐश करो। यहां तो सर पे सगनी लगाई हुई है, नहीं माफ कर दो माफ कर दो, ये कुरान के खिलाफ है। और जो लोग महर अभी तक नहीं दिए हैं कल का कल अपनी अपनी बीवियों को महर दे दे, चाहे कर्जा लाके चाहे उधार, तैयार हो ना। अरे मेरी बात मानोगे फिर तकरीर करने से फायदा क्या होगा, मेरे करीब जो होता है हिस्सा भी दिलवाता हूं महर भी दिलवाता हूं। अब आइए, अल्लाह आपको तौफीक दे आप खाना खिलाएं, इसका सवाब इतना अजीम है कि इधर आपने खाना खिलाया और लाभ से राजी हो गया। और जो लोग खाना खिलाने में कंजूसी करते हैं
तो अभी हम आपको एक मिनट के अंदर बताएंगे कि उनका अंजाम क्या होगा। पसंद का खिलाओ डबल सवाब, अब मुस्कुराते मुस्कुराते खिलाओ और सवाब। जो औरत पका के खिलाए उसे भी मर्द के बराबर का सवाब, और जो ला ला के खाना यहां तक पहुंचाए उसे भी बराबर का सवाब। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती तलाश करेंगे, मेरे फला कहाँ है, दोस्त कहाँ है, ठेकेदार कहाँ है, सरदार कहाँ है, प्रधान कहाँ है, तो ऐसी हर कोई तलाश करेगा ना। बोलो, हम तलाश करेंगे तो आप भी तो करोगे। जब जन्नती जन्नत में तलाश करके थक जाएंगे तब कहाँ तलाश करने जाएंगे, बड़ौदा बम्बई? जल्दी बोलो। कयामत के दिन जब जन्नत में जन्नती अपने रिश्तेदारों को नहीं पाएगा तो कहां जाएगा तलाश करने? जी इतना भी याद नहीं है आपको? दो ही घर तो होगा, जन्नत, नहीं तो जोर से बोलो, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहां। जब जन्नती जन्नत में नहीं पाएंगे अपने क़ारी को, पारा नंबर 29 सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये जहन्नम की तरफ जाएंगे। सवाल करेंगे जहन्नम में जाने वालों से, फी जन्नती यतसाएलून अनिल मुजरिमीन, ये बाहों वाले जन्नत वाले सवाल करेंगे जहन्नम में जाने वालों से, मा सलककुम फी सक़र, क्या बात तुम्हें जहन्नम में लेके चली गई, तुम तो बड़े अल्लाह वाले नजर आते थे, नमाज भी पढ़ते थे और कभी कभी छोड़ भी देते थे। तो जहन्नम में जाने वालों का पहला जवाब होगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पहला रीजन, पहली वजह। उसका दूसरा क्या, वलम नकु नुत्इमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। وَكُنَّا نَقُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, और गपशप करने वालों के साथ, बेहुदा गुफ्तगू करने वालों के साथ पले रहते थे। وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, और قیامت کے دن بھی جھٹلاتے تھے। حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, یہاں تک کہ ہمیں اچانک موت آ گئی۔ تو کھلانے والا اللہ کو محبوب ہے, अल्लाह के राह में खर्च करने वाला अल्लाह को महबूब है। तो खिलाने वाला और देने वाला, उसका हाथ ऐसे रहता है ना, जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे ना? इन लोग कहते हैं हाँ, और 2 बजे तकरीर करवाओ। अरे पहले तकरीर करवा लिए होते फिर ना करवाए होते, ताकि जीते जागते में तकरीर सुन लेते। अब तो फटाफट बताओगे ना, और सब के सब बताओगे, एक नहीं सब। देने वाले का हाथ ऐसे होता है, अरे उठा दो, कहां गजब हो जाएगा उठाने में, और ऐसे रखे रहो। देने वाले का हाथ ऐसे, शर्माओ मत, तरकल बोलो, आप बोलो। देने वाले का हाथ, चचा जन्नत में जवान होके जाओगे, कोई भी बुढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, ना बुढ़ी जाएगी ना बुढ़ा जाएगा, सब जवान होके जाएंगे। तो हाथ टाटर हिलाओ, जवान हो, जवान होके जाओगे। देने वाले का हाथ ऐसा, चचा उठाओ, कैसा, पक्का, अच्छा, कौन सा लगता है तुमको? सब मिलके सब एक साथ बोलोगे, तुम लोग को अच्छा नहीं लगता? ये नीचे हाथ कोई करेगा नहीं, सब ऊपर करके रखो। अरे आप भी करो, आपका हजरत नहीं हूं मैं, हम देखें जरा सा, ऊपर करो, ये अच्छा लगता है ना, ये वाला, जोर से बोलो। तो जब बेटे की शादी करने जाते हो तो ये वाला करते हो ना, समझी से?
सच्ची बात बोलो, ये करते हो कि ये अब करना क्या चाहिए था, ये बेटी की शादी कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ कम हो मुझे बताओ, अल्लाह का दिया मेरे घर सब कुछ है, मैं तुम्हारी चुपके से मदद कर दूं, तो होगा ये। और हमने बेटे हुआ को दूसरे सब बुलेट पाइंट है ना दिए तो बड़ी बदनामी हुई है, ये हुआ ये बेशरम बेहया, भीख मांगना है तो चौराहे पे बैठ जा, और अगर भीख मांगना पसंद नहीं तो कह दे अल्लाह का दिया सब कुछ है, एक चोरे कपड़े पे बेटी को भेज, अल्लाह ने मेरे घर हर चीज का इंतजाम कर रखा है, हर गरीब के घर से डोली निकलेगी, हर गरीब अपनी बेटी का हक पूरा कर सकता है। यहाँ अगर सऊदी के कमाई वाला या पीयूपी वाला या भंगार वाला, अल्लाह ने उसे दौलत दिया, अपनी बेटी को उसने बुलेट या फोर व्हीलर दिया, अब दूसरा डर जाता है या अल्लाह हम कहां से देंगे। ये भिकमंगे नजर वहीं गाड़ते हैं जहां पे मिलने वाला हो। पहले लोग पूछते थे लड़की शरीफ है खानदानी है, आज पूछते हैं है क्या उसके पास, बोलो झूठ बोलता हूं तो बोले। अच्छा एक बात सच्ची सच्ची बताओ, समझी की दौलत में कोई मालदार हुआ है, ससुरे की दौलत में कोई मालदार हुआ है, ये जितने बैठे हुए सब ससुरे की दौलत में मालदार है, नहीं, अपने पासों की ताकत पर अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह तुम्हें इसी पासों की ताकत से तुम्हें अता फरमा देगा। जिसके पास कुछ नहीं था आज गाड़ियों में घूमता है, हैदराबाद में एक पीयूपी वाला फॉर्चूनर से चलने लगा तो हैदराबादी बोलने लगे बाप रे बाप छोरा रे, कहता फॉर्चूनर चलता है तेरा कलेजा क्यों पड़ता है, मेहनत किया पीयूपी वाले ने दिया रब्बुल आलमीन ने, तू भी मेहनत कर चल मत हसद मत कर, अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाए। ये जितने बंदे हैं सब अल्लाह के हैं, तो ये वाला मसला कैंसिल कर दो आज अभी इसी वक्त, अटल फैसला कर लो, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मैं सामने वाले को बिल्कुल आसान कर दूंगा। बेटे हैं आप लोग को तो कौन कौन बगैर जहेज मांगे शादी करेगा, पक्का फिर हिल बदलना मत। चच्चा बेटवा है हो गई का लिए रहे हो, बिहार गया तो मुखिया जी आए बोले हजरत बड़ा माहौल खराब हो गया है, लोग बड़े मांगते हैं 5 तोला सोना चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, जिसके घर हमने अपनी आंखों से देखा आप भी देखे होंगे, जिसको पेट्रोल का पैसा नहीं वो भी मोटरसाइकिल ले रहा है, जिसके पास झोपड़ी है घर नहीं वो भी मोटरसाइकिल मांगता है, एक रवाज ऐसी हो गई है। मैंने 60 साल की कुंवारी लड़कियों को कुंवारी लड़कियां समझ गए दिन शादी की मैंने देखा है, 50 साल की मैंने देखा है, 70 साल की मैंने देखा है, जिनकी शादी हुई नहीं, अल्लाह अल्लाह इसका अजाब किसके सर पे जाएगा। मांगने वालों मांगना है तो मुस्तफा से मांगो, मेरे नबी का दर वो दर है जहां से कोई नहीं का लफ्ज कभी सुना ही नहीं। आला हजरत का एक शेर वो सुना है जिसकी आवाज बुलबुल की तरह हो, बुलबुल की तरह आवाज तो नहीं है, खरी खोटी सुनाता हूं, किसके लिए करो हमारे लिए। आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफा का दर वो दर है कि नहीं के लफ्ज किसी ने सुनाई, वाह क्या जो दो करम है शहे बदहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी यहीं पर रख दीजिए, फेंकिए मत, फेंकोगे तो अल्लाह को वहां पता चलेगा तुमको, ये उड़ाते हो नाम के लिए तो भी आपको पता चलेगा, नजराना दीजिए वो अलग की बात है, लेकिन उसकी तौहीन मत कीजिए।
और अल्लामा हसन रजा बरेलवी आला हजरत के मजली भाई है, वो कहते हैं मुस्तफा का दर वो दर है। किसी शेख को वहां गए, हमको ये परेशानी मुझे दीजिए, अगर अल्लाह ने दिल में मोहब्बत डाली तो दिया, वरना कहेगा माफ करो, कहेगा ना। अच्छा मौलाना और शायद बराबर है, जल्दी बोलो। मौलाना यहां भी काम आएगा, कयामत में भी काम आएगा। तो 10-10 की नोट शायद को भी, और 10-10 की नोट मौलाना की तौहीन कर रहे हो। बोलो तौहीन ही तो है ये, बड़े को बड़ी नोट देना चाहिए ना, दो मत खाली मेरे तफरी सुनो। तो दिया तो दिया, नहीं दिया तो कहा माफ करो। अल्लामा हसन रजा बरेलवी कहते हैं कि मुस्तफा का दर वो दर है कि देते भी है दुआ भी फरमाते हैं। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें रहम कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मगता का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मगता का भला हो। और लवा सरजा बरेली कहते हैं कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। और या रसूलल्लाह तमन्ना ये है कि सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और मुस्तफा का दर वो दर है कि पूरी जिंदगी की कजा एक ही सजदे में अदा, वक्त अजल मौके वक्त, गर वक्त अजल सर तेरी हबीब या रसूल अल्लाह, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कजा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कजा एक ही सजदे में अदा हो। और मुस्तफा का दर वो दर है, आज हालात मुसलमानों के बद से बदतर होते जा रहे हैं ना। पूरी दुनिया के मुसलमान इस्तगाज़ा पेश करते हैं बारगाह रिसालत में, या रसूलल्लाह हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, और खालिद बिन वलीद जैसा मुझे मेरे लश्कर अता फरमा। या शहे अंबिया सरवरे दो सरा, दर पे आए हैं हम आसरा दीजिए, और कश्ती ये कौम मुस्लिम है मझधार में, ना खुदा मिसल खालिद अता कीजिए। या शहे अंबिया, और या रसूलल्लाह हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, अपने गुनाहों पर नादिम हैं, मुजरिम आपके हैं तो सजा आप दीजिए, गैरों में मुझे जलील मत होने दीजिए। अब समझ आओगे ना, हम गुनाहों पर नादिम हैं या मुस्तफा, आपसे दस्ता बस्ता है ये इल्तिजा, हमको रुसवान अग्यार से कीजिए, जो भी देना है खुद ही सजा दीजिए। या शहे अंबिया, अल्लाह ताला से हर कोई दुआ मांगता है ना, जल्दी बोलो हाँ। फिर कहता है ना,
अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं किया। मांगने का तरीका अगर सीख लो ना तो कबूल हो जाएगी। मांगने का सलीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं क्यों हमको मिलता नहीं। तरीका बता दूं, जब दुआ कोई रब से किया कीजिए, जब दुआ कोई रब से किया कीजिए, मुस्तफा को वसीला बना लीजिए। जब दुआ कोई रब से किया कीजिए, मुस्तफा को वसीला बना लीजिए। या शहे अंबिया, दो तो नहीं बज गया है, बच गया ना। अब बताओ किस कलेजे से तकरीर करूं। आपकी आंखें देख रहा हूं, आपकी भरी भरी नींदें देख रहा हूं, सरे शाम से बैठे। मैं थोड़ी देर आके बैठा, जो चला गया था ना, तो ऐसे अगर थोड़ी देर बैठ जाए तो थक जाते हैं, फिर टेक लगा के बैठते हैं। तो अब कैसी तकरीर करूं आगे, सही नहीं बनने वाला है। अब रखो अलग से प्रोग्राम, तब बुलाओ, मुनासिब नहीं है ना। दो चार पांच मिनट और सुन ही लीजिए। मुआशरा कहते हैं आपस में मिलजुल कर रहने को। हमारी जरूरत आपसे, आपकी जरूरत इनसे, इनकी जरूरत इनसे, खुशी गम शादी ब्याह मैयत, और उसी पड़ोसी सब एक दूसरे के काम आते हैं। रहोगे कैसे, जिंदगी गुजारोगे कैसे। पारा नंबर 26 सूरह हुजरात आयत नंबर 7 परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, जितने मोमिनीन हैं सब भाई भाई हैं। नबी का दीवाना कहीं का हो, काला हो कलोटा हो, तुम्हारा भाई है। अगर नबी का गुस्ताख तुम्हारा सग्गा भाई हो तो वो भाई नहीं है। इन्नमल मोमिनून इख्वा, बेशक मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। पर असलिहु बैना अख्वैकुम, दो भाइयों के दरमियान सुलह कराओ। और यहाँ आग लगाने काम करते हैं, जलते पे तेल डालते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लकड़ी लगाने काम करते हैं। बड़ा मजा आता है, सुने नहीं तुमको ऐसे बोल रहा था, और जब ऑल फॉल बोकोगे जाके वहां बोलेगा सुने नहीं ऐसे से बोल रहा था। वत्तकुल्लाह, ईमान वालों डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ لِقَوْمٍ عَسَى يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ایمان والو مرد مرد پر نہ ہنسے، مطلب سمجھے، ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں نا۔ عَسَى يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ان قریب وہ تم سے بہتر ہے۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، جس کا مذاق اڑا رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسكم، اور ایک دوسرے کو تانا مت دو۔ تانا سمجھتے ہو نا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برا نام مت رکھو کسی کا۔ कोई दुबली पतली लड़की है उसका नाम छिक्कल मत रखो, कोई मोटा ताजा बच्चा है तो उसका नाम डब्लू मत रखो, किसी को फासिक मत बोलो, किसी को ऐसा नाम मत रखो उसके दिल को दुख हो। बिकसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान,
क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक कहलाना। ये सब काम करोगे तो फासिक कहलाओगे। वमन लम यतुब फौलाइका हुमुस सालिमून, और जो बगैर तौबा का दुनिया से चला गया वही सालिम है। या अय्युहल लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़ ज़न इन्न बादा ज़न्नि इस्म। ए ईमान वालों, बुरे गुमानों से बचो। कोई शराब खाने से आ रहा है तो क्या कहोगे? बस पीने गया था। जल्दी बोलो, मैं दो चार मिनट में खत्म करने वाला हूं। कहते कि नहीं कहते? अगर नहीं पीने गया था तो गया क्यों? अच्छा गुमान कर ले, हो सकता है किसी को समझाने गया हो, किसी लड़की लड़के को कहीं अकेले बात करते हुए देखे तो अब उसको आग लगाना शुरू कर दिया, उसको पूरे मोहल्ले में बदनाम कर डाले तुम। अगरचे वो दीन की बात बता रहा हो लेकिन तुम आग लगाना छोड़ोगे नहीं। और बाज़गुमान गुनाह है। वला तजस्ससु, एक दूसरे के ऐबों को ठूठो मत। ये घर इतना अच्छा कैसे बना? ये इज्जत वाला कैसे हो गया? इसको लोग चाहते क्यों है दादा? इसके अंदर ये खराबी वो खराबी, ढूंढो मत, अपने गुनाहों को ढूंढो, कितने बड़े सियाकार तुम हो। वला यग्तब बादुकुम बादा, और एक दूसरे की गीबत मत करो। गीबत समझते हो ना? दो बैठे तीसरे की शुरू। ये मुसलमान बच्चे हैं, अफसोस है। मारना मत, मोहब्बत से समझा दो। ये अपने बच्चों को दीन वाला कैसे बनाएंगे? हम ये चाहते हैं कि आप टनाटन दीन वाले बनो ताकि आपका बच्चा समझ जाए, और वो टनाटन बनेगा तो उसका बच्चा समझ जाएगा। एक दूसरे की गीबत मत करो। गीबत करना हराम है, और सिर्फ हराम नहीं, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है अय्युहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरीतुमू। क्या तुम्हें का कोई पसंद करेगा कि मरे हुए भाई का गोश्त खाए? यानी गीबत करना मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तवाबुर रहीम, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है। या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्स इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ए इंसानो, अल्लाह फरमाता है ए इंसानो, पारा नंबर 26 सूरह हुजरात आयत नंबर 10 11 12 13। ए इंसानो, तुमको हमने एक मर्द एक औरत से पैदा किया। पूरी दुनिया के इंसान एक मर्द एक औरत से है ना? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, और तुमको खानदान में कबीले में बांटा। لِتَعَارَفُوا, ताकि एक दूसरे की पहचान हो। सब एक ही खानदान का होता अगर तो मसला क्लियर नहीं हो पाता। ये फला साहब है, ये फला खानदान के, फला खानदान के, फला खानदान के। अब खानदान के बुनियाद पर काला टाइप मत करना, किसी को जलील मत करना। अरे तुम इस खानदान को, मैं इस खानदान का हूं। खानदान के बुनियाद पर अल्लाह का महबूब बनना नहीं बनेगा। इन्ना करबकुम इंदल्लाहि अक्वाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अजमत वाला वो है जो मुत्तकी परहेजगार होगा। इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। ये सैंपल जो मैंने पेश किया अभी ना, मैंने सोचा है आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह खूब ताकत अता फरमाए। पूरे कुरान पाक के 30 पारे से जो खास खास मसाइल हैं उन आयतों को इकट्ठा करके उसकी तफसीर, उसकी तशरीह पेश करूंगा। फिर आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, पूरे कुरान पाक के 30 वाले के। अब उसके लिए कुरान पाक के आयात की तफसीर के लिए तफसीरें चाहिए, तफसीर कबीर, तफसीर नईमी, तफसीर रूहुल बयान, फतावा रज़विया 32 जिल्दों में है। तो जो हमारे लायक हो मैं करूँ, जो तुम्हारे लायक है वो तुम करो। तो किताबों का इंतज़ाम करना है, फतावा रज़विया, तफसीर नईमी, नुज़हतुल क़ारी, शरह बुखारी, 3-4 किताबों का इंतज़ाम हो गया। और ये 4 किताब से मत समझना, खाली फतावा रज़विया 32 जिल्द में है, 10,000 की तफसीर नईमी, 6,000 की, और नुज़हतुल क़ारी 2,500 की है। इसका सवाब क़यामत तक जो जो किताब से अमल करता जाएगा सबका सवाब तुम्हारे नामे अमाल में लिखता चला जाएगा।
अल्लाह ने आपको दिया है तो जो खुद खर्च करोगे वो तुम्हारा होगा, जो छोड़ के जाओगे वो तुम्हारे वारिसों का होगा। तो किताब का इंतजाम हो सकता है जिसको अल्लाह तौफीक देगा, एक न कर सके तो कई लोग मिलकर करें तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाएगा। ये सब अमल की बातें मैंने आपको पेश की हैं। अकीदे की बात यह है कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला कभी भी नबी के गद्दार से मोहब्बत नहीं कर सकता, और अगर किया तो ईमान वाला होगा ही नहीं। यहां आपसे मुझे मोहब्बत है, आपके दुश्मनों के साथ बैठ के चाय पियूं तो आपको अच्छा लगेगा, तो नबी के गद्दारों के साथ चाय पियोगे तो नबी को कैसे अच्छा लगेगा। बस ये ऐलान कर दो कि मुस्तफा हमारे हैं और जो मुस्तफा का है वो हमारा है। तकरीर के बाद अल्लाह आपको तौफीक दे तो किताबों में अपनी जो भी चाहे शिरकत कर ले। अल्लाह ताला आपको अज्र अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबे के बाद जो आयत करीमा पढ़ा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान पर कायम रहो। अल्लाह ताला ईमान पर कायम रखे। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए।